जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। सपोज भाई, आपका चाहे किराने की दुकान हो, चाहे आपका ग्रोसरी शॉप हो, चाहे आपका छोटा सा मॉल टाइप हो जिसमें ऑल टाइप आप आइटम रखते हो, उसमें आप सेल्समैन रखते होंगे कि ए सेल्समैन आपका ग्रोसरी में सेल करेगा, ए सेल्समैन आपको साड़ी वाली कैटेगरी सेल करेगा, ए सेल्समैन आपको डिफरेंट डिफरेंट डिवीजन के डिफरेंट डिफरेंट सेल्समैन आप रखते हैं। तो आपको ये पता करना है कि कौन से सेल्समैन, मतलब कौन से सेक्शन में कितना सेल हुआ है, ताकि ये पता कर पाए कि जो हमारा सेल्समैन है वो काम तो कर रहा है तो लेकिन कैसा काम कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, उस सेल्समैन की जो साड़ी वाले सेक्शन में हमने दो सेल्समैन रखा है और उन दोनों सेल्समैन की जो सैलरी है मैं ज्यादा दे रहा हूँ, सेल लोग कम कर रहे हैं, तो क्या कारण है? या हमारे पास स्टॉक का प्रॉब्लम इशू है, या तो फिर वो सेल नहीं कर पा रहे हैं, उनका इशू, मतलब कौन सी इंड पे इशू है, वो चीजें आप चेक करने के लिए यह रिपोर्ट है। आप डिवीजन वाइज सेल रिपोर्ट है, आप डेट बिटवीन आपने ले लिया, जैसे आपने ले लिया 1 तारीख से लेके 4 तारीख के बीच में जितना भी सेल हुआ है उसमें कौन सी डिवीजन में कितना सेल हुआ। जैसे साड़ी वाले सेक्शन में, तो फिर आपका जेंट्स मेन सेक्शन में, लेडीज सेक्शन में, जनरल सेक्शन में, या फिर कौन से सेक्शन में कितना सेल हुआ डेट बिटवीन के ऊपर, जैसे 1 तारीख से लेके 4 तारीख के बीच में, या 1 तारीख के से लेके 30 तारीख के बीच में। तो ये डेट जो बिटवीन का सेल है वो रिपोर्ट अगर आपके पास आ जाए कि कौन से डिवीजन में कितना सेल हुआ है, ताकि आप ये पता कर पाए कि जो हमारा सेल्समैन है वो काम एक्चुअल में कैसे कर रहा है। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर सेल्समैन में, मैंने मेन सेल्स सेक्शन में मात्र सेल हुआ है जो कि 2 की क्वांटिटी में यहाँ पर सेल हुआ है, और यहाँ पे टोटल 79 रेट, एवरेज रेट यहाँ पर है, एवरेज रेट इतने हिसाब से सेल हुआ, इतना डिस्काउंट हुआ, इतना अमाउंट है। तो इस तरीके से डिवीजन वाइज सेल रिपोर्ट आप देख के आप ये पता कर पाएंगे कि हमारा कौन से सेक्शन में, कौन से डिवीजन में कितना सेल हुआ है।